हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे होम कुकिंग। दोस्तों आज हम लोग बनाने वाले हैं गोवा की फेमस डिश चिकन काफरेल, वो भी ग्रेवी स्टाइल में। दोस्तों ये डिश आप फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग तंदूरी फ्राई करते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और ग्रेवी स्टाइल भी कर सकते हैं। और ये टेस्ट में तो लाजवाब है। अगर आप कभी गोवा में आए हो तो आपने ज़रूर ये टेस्ट की होगी। ये फेमस डिश है गोवा की, जो आपको किसी नुक्कड़ में भी मिल जाएगी और फाइव स्टार होटल में भी मिल जाएगी। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत सिंपल हैं और बनाना भी बहुत इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें इसे मैरिनेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 10-12 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक, 4-5 हरी मिर्च, 10-12 मैंने लौंग लिया है, 2 टुकड़े दालचीनी के और 10-12 काली मिर्च और बहुत सारा धनिया। दोस्तों धनिया बहुत लेना है क्योंकि यही इसका मेन इंग्रेडिएंट है। दोस्तों तो इन सारे चीजों को हमें पीस लेना है अभी। दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगी कि ये रेसिपी आप जरूर घर में ट्राई करें और अगर आपको पसंद आ जाए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। दोस्तों हम ये ग्रेवी स्टाइल में बनाने वाले हैं, तो पहले मैं इसे थोड़ा सा पीस लूंगी और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया है लगभग 75 ग्राम्स चिकन, उसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 1.5 चम्मच नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 नींबू का रस। इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी जो हमने बनाया था मसाला वो रेडी है, तो अब हम चिकन को वो लगाएंगे। तो दोस्तों हमारे चिकन को ये अच्छी तरह से लग गया है, हमें ये एटलीस्ट 30 मिनट्स तक इसे मैरिनेट करने रख देना है। दोस्तों तो ये एटलीस्ट 30 मिनट्स आप रखिए, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 1 घंटा भी रख सकते हैं, उससे और अच्छा टेस्ट आएगा। दोस्तों 30 मिनट्स हो गए हैं, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है गर्म करने के लिए, उसमें मैं डालूंगी लगभग 4 टेबलस्पून ऑयल, तेल आप कौन सा भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तेल गरम होने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे प्याज, ये मैंने 2 छोटे प्याज लिए हैं काट के। अगर आपके पास बड़ा प्याज है तो आप 1 भी या 1.5 ले सकते हैं, ये छोटे थे तो मैंने 2 ले लिए हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा सॉटे करेंगे और उसके बाद ढक के पका लेंगे। हमारा जो प्याज है वो थोड़ा नरम हो गया है, थोड़ा सा इसे और पकाएंगे। हमारा प्याज जो है दोस्तों पक गया है, अभी हम लोग इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे 2 टमाटर मीडियम साइज के, मैंने बारीक काट लिए हैं, ये हम लोग इसमें डालेंगे और उन्हें भी अच्छी तरह से पका लेंगे। दोस्तों यहाँ हमें लगभग 1/2 टेबलस्पून नमक डालना है इसमें, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़े से स्मैश कर लीजिए ताकि टमाटर जल्दी पक जाए और इसे बंद करके रख लें। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो हमारे टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल गए हैं। अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे हमारा चिकन जो हमने मैरिनेट करके रख दिया है।
अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे भी है दोस्तों हमें ढक के पकाना है ताकि चिकन हमारा अच्छे तरह से नरम पके। तो हमें ये बारी बारी खोल के इसे चेक करना है ताकि चिकन नीचे से लगे ना। आप देख पा रहे हो चिकन बहुत अच्छा ऑलमोस्ट 50% ये पक गया है, लेकिन और थोड़ा इसे पकाना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो हमारा जो चिकन है वो पक गया है, परफेक्ट हो गया है। इसे मैंने ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखा है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखा है। ये किस परफेक्ट है किसी भी चावल ब्रेड या रोटी के साथ खाने के लिए, और ये बहुत सिंपल बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी ये डिश आप घर पर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। एंड दोस्तों अभी मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे ऐसे ही ढक के रखूंगी थोड़ा देर ताकि वो अरोमा जो है उसमें ये अच्छी तरह से पक जाए। तो आज के लिए इतना ही।